માં આપને લઈ જઈશું. क्या करना चाहिए कि जो भी सब्जी हम लाएं उसको ढंग से धोएं, अच्छे ढंग से धोते हुए उसको बॉईल करके उसको तरीके से खाएं. तो दिस इज एज फार एज मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ हमें उस सब्जी को कैसे इस्तेमाल करना है. ढंग से धोना है, ढंग से सफाई करनी है और प्रॉपर बॉईल करके इस्तेमाल करना है. इसके साथ ही कि अगर उसके ऊपर कोई जर्म्स हैं तो नॉट ओनली COVID-19, इससे रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज हो तो हम हमेशा आपको एडवाइस देते हैं कि आप प्रॉपर हैंड हाइजीन रखें, अपने हाथों को ढंग से साफ करें और उसके बाद ही उसको इस्तेमाल करें किसी भी चीज को. अनदर क्वेश्चन अनीश यू एंड आई. हेलो सर, जिस तरह से पिछले 4-5 दिन में केसेस बढ़े हैं तो उसमें आप अपने टेस्टिंग प्रोटोकॉल में कुछ चेंजेस ला रहे हैं? और दूसरा क्वेश्चन है सर, जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स पे जो अटैक हो रहे हैं तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? ये है कि कितने डॉक्टर्स ये इन्फेक्टेड हैं, इसका कोई डेटा मिल जाए? सर, कल तक के डिटेल्स के अनुसार जो मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड में कुछ केसेस आए हैं जिसमें कि डॉक्टर्स और उनसे एसोसिएटेड लोगों को इन्फेक्शन पाया गया है, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द केसेस उस तरीके से हैं कि जिसमें एक डॉक्टर इन्फेक्टेड थे जो मेडिकल ड्यूटी पर ना होते हुए भी उन्होंने अपने रिलेटेड लोगों को इन्फेक्ट किया है. लेकिन इसके साथ ही, जैसे इससे पहले आपने पूछा था, कुछ केसेज ऐसे भी आए हैं जो कि अगर उन्होंने ड्यूटी पे होते भी बहुत लिमिटेड केस हैं जो उन्होंने इन्फेक्ट किया है. इसी से पावचेज महत्वना समाचार. आरोग्य विभाग ने बताया देश में कुल 50 लोगों ना मौत थया छे. तबलीगी साथे जोड़ायेला 400 लोगों पॉजिटिव सामे आया छे. एक ज दिवस में 12 लोगों ना मौत ने आ साथे ज देश में कुल आंकड़ो पहुंचो छे 1965 पर. कोरोना ना केस देश में 1965 छे. તબલીગી જમાત સાથે જોડાયેલા 400 લોકોના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યા છે. દિલ્હીના નિઝામુદ્દીનમાં યોજાયેલો તબલીગી જમાતનો મેળાવડો દેશભરમાં કોરોના વાયરસના ફેલાવાનું માધ્યમ બન્યો છે, ત્યારે ગુજરાતમાં પણ આ સમાજના એવા લોકો છે જે આ કાર્યક્રમમાં સામેલ થયા હતા. પોલીસનું માનીએ તો રાજ્યમાંથી 72 લોકો દિલ્હીના આ જમાવડામાં સામેલ થયા હતા. આ તમામ લોકોની પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે. પોલીસ તેમની ઓળખ કરીને તેમના ટ્રાવેલ રૂટ અને તેમના સંપર્કમાં આવેલા લોકોની માહિતી એકત્રિત કરી રહી છે. સ્વાસ્થ્ય વિભાગ સાથે મળીને તમામનું ચેકિંગ કરી ક્વોરન્ટીન કરવામાં આવ્યા છે. આમાંથી ભાવનગરના અબ્દુલ શેખ નામના વ્યક્તિનું મોત થયું છે, જેનો કોરોના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો હતો. ત્યાં સુધી કે 14 માર્ચથી 23 માર્ચ સુધી ગુજરાતના જે પણ લોકોના મોબાઈલ નંબર દિલ્હીના નિઝામુદ્દીનની આસપાસ જણાયા હોય તેમના મોબાઈલ નંબરનું ટેકનિકલ વિશ્લેષણ કરવામાં આવ્યું છે. મરકઝમાં જઈને આવેલા યુપીના કુલ 29 લોકો 2 જૂથમાં અમદાવાદ આવ્યા હતા. તેઓ શહેરના દરિયાપુર વિસ્તારમાં રોકાયા હતા. આ તમામ લોકોની કોર્પોરેશને તબીબી તપાસ હાથ ધરી છે.